डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स एक दिन के रेस्ट के बाद आज फिर आपके लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। अगर इन टॉपिक्स को आप कर पाते हैं कम्प्लीटली तो डेफिनेटली एक बड़ा काम आप करते हैं। 24 घंटा बीत जाने के बाद अगर ये अचीवमेंट के रूप में आपके साथ है तो आपको लगेगा कि आपने दिन भर कुछ बड़े काम किए, अच्छे काम किए, और इसका फिर आपको लाभ भी मिलेगा एग्ज़ाम में। साथ ही वे लोग जो कह रहे हैं कि पेजेस नहीं मिल रहे हैं, ये लूसेंट के साथ हो रहा होगा, क्योंकि लूसेंट का जो पुराना वर्जन है 2016-15 का वो छोटे साइज में आता था, अब नया लूसेंट आ रहा है चौड़ा जो फॉर्मेट है उसमें, यानी इसका साइज बढ़ गया है तो पेज का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो संभव हो तो नया वाला एडिशन ले लें, नहीं तो पुराने एडिशन में आप सर्च करें, क्योंकि बुक से ही टॉपिक्स दिए जा रहे हैं तो मिलना तो डेफिनेटली है, पेजेस उसमें डिफरेंस हो सकते हैं। साथ ही वे लोग जो 65वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप इसे 3-4-5 टॉपिक्स भी कर ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, आपका बेस तैयार होगा। साथ ही आपको प्रयास करना चाहिए कि NCERT भी संभव हो, 1-2 टॉपिक्स आप उससे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के 3 NCERT के सेक्शंस आपको अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो आपको कवर करना चाहिए। चलिए आज के 10 टॉपिक्स। साथ ही एक इंफॉर्मेशन ये है कि आपका लिटमस टेस्ट आज नाइट तक 10 बजे रात से पहले डेफिनेटली आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। आज के 10 टॉपिक्स इस तरह से हैं। पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है एंशियंट का। देखिए, सिकंदर का इन्वेजन जो था, आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। दरअसल इसमें यूनिक में ये हेडलाइन होगा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। यूनिक में इसका हेडलाइन होगा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, या ईरानी आक्रमण, पारसी का आक्रमण, इस तरह के शब्द रहेंगे। ये दरअसल विदेशी या ईरानी आक्रमण के रूप में जाना जाता है सिकंदर का आक्रमण, तो इसे हम लोग समझेंगे। बहुत छोटा सा 1-1.5 पेज में है, तो इसे आप 2-3 बार पढ़ जाएं, हर लाइन को पढ़ जाएं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो किसी एक बीच के लाइन से उठाए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे अगर टॉपिक्स हैं तो लाइन बाय लाइन आप 1-2-3 बार पढ़ जाएं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं क्राउन के, लूसेंट के और यूनिक के। 2 नंबर आज का टॉपिक है, आज से हम लोग मेडाइवल इंडिया शुरू कर रहे हैं, यानी मध्यकालीन भारत इतिहास में आज से हम लोग मेडाइवल शुरू कर रहे हैं। सही शब्द शायद मेडिएवल भी है, एनीवे मध्यकालीन भारत में हम लोग आज अरब आक्रमण से शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन में जो मुस्लिम शासन शुरू हुआ हमारे यहाँ वो दरअसल 710 ईस्वी से सिंध पर अरब आक्रमण से दरअसल इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद तुर्की इन्वेजन, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, ये टॉपिक 3 आपको इसमें करने हैं मध्यकालीन, तब दिल्ली सल्तनत पे हम लोग आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उससे पहले ये घटनाक्रम है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। गोरी गजनवी के आक्रमण से प्रश्न बन जाते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंध पर अरब आक्रमण किसने किया था और किस वर्ष किया था, तो ये आप करेंगे। आज हम लोग मेडिवल को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इसे आप देख लें, क्राउन, लूसेंट और यूनिक के। और 3 नंबर जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो होंगे वो ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी को ठीक स्टार्ट से, आगे के हमने कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं, आज जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं वो स्टार्ट से ले रहे हैं, एकदम ब्रह्मांड किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया, तारों के अलग अलग जो ब्लैक होल्स हैं, जो ये सब हैं, तो आप सब इसे पढ़ने का प्रयास करें। ब्रह्मांड ये आपको दरअसल इसमें ब्रह्मांड आपको दरअसल क्राउन में 122 नंबर पे, लूसेंट पे 210। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि लूसेंट में ये 2 टॉपिक्स 2 अलग अलग पेजेस पे मिल जाएंगे, 210 नंबर पेज पे, साथ ही ये 65 और 66 नंबर पेज पे भी आप देख लें लूसेंट वाले, क्योंकि ये 2 अलग अलग पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि लूसेंट में 2 अलग पेजेस हैं, यूनिक में 4-7 नंबर पेज पे है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत का जो हाईलैंड्स है, दक्षिण भारत का या दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो, इसमें हम लोग मेनली करेंगे। इसमें आप सारा जो भी है डिफरेंस, जो दक्षिण में सारे हाईलैंड्स हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे, मध्यवर्ती यानी मिडिल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, ये 2 पार्ट्स प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो में करेंगे, तो इसे आप करें, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए कई बार पूछ देता है कि डेक्कन का पठार किस रीजन में है, इसकी सर्वोच्च भूमियाँ, सर्वोच्च जो पीक्स हैं
शिखर उसके बारे में पूछ लिया था, नीलगिरी पर्वत पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो ये सब इसमें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार हो गया साइंस का, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि इसे आप रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में आप केमिस्ट्री में इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही मॉडर्न फिजिक्स में इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये दो टॉपिक अच्छे से आप करेंगे। न्यूक्लियस का किस तरह से टूटना और उससे ऊर्जा का निष्कासन होना, किस तरह से विशाल ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का आधार है, ये सब आपको इस नाभिकीय विखंडन में, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी अलग से रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में ये आम तौर पर मिल जाता है। पेजेस दिए जा रहे हैं, आप इसे देख लें, लेकिन तीन पार्ट में इस तरह से आप इसे पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है लूसेंट में, देखिए इसका नाम है ये लूसेंट में भौतिकी का, फिजिक्स का जो 20 नंबर टॉपिक है, लूसेंट में भौतिकी का 20 नंबर टॉपिक है, उसमें ये अच्छे से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साइंस का, बायोलॉजी का, श्वसन जो तंत्र हैं, अलग अलग जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, उसे हम लोग रेगुलर अभी कंटिन्यू 3-4 दिन करेंगे। परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, कंकाल तंत्र, तो स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब, रेस्पिरेटरी, ये सब हम लोग अभी 3-4 दिनों तक करेंगे। इसमें काफ़ी सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो आएंगे और वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज देखिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं, मतलब ये कि हार्ट एंड लंग्स, यानी हृदय और हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसे आप समझेंगे इसमें, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन कैसे हम लोग करते हैं और किस तरह से बाहर हम निकालते हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। ये दूसरा है सातवां टॉपिक, धन विधेयक, पॉलिटी से है, मनी बिल और फाइनेंस बिल, धन विधेयक और वित्त विधेयक इसमें आप पढ़ें अलग से, बहुत छोटा टॉपिक हमने लिया है। फाइनेंस बिल पे, मनी बिल पे प्रश्न अलग से एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा अच्छा, ये चूँकि बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है संसद में, जो बहुत सारे जो विधेयक आते हैं उसमें ये मनी बिल का बड़ा महत्व है, तो इसके एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे। साथ ही आप इसमें एक जो अलग टॉपिक है लेखानुदान, वो भी करेंगे। नेक्स्ट आइए भारत के प्रमुख, जो आठवां आ जाता है इको से, इकोनॉमी में हम लोगों ने विदेशी व्यापार लिया है, यानी फॉरेन ट्रेड। देखिए ये टॉपिक, इकोनॉमी का टॉपिक आपको परेशान करता होगा, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कहाँ तक इन टॉपिक्स को आपको फैसिलिटेट हम करते हैं या थोड़ा सा आपका हेल्प कर पाएँ, इस पर हमारा प्रयास होगा। चूँकि इकोनॉमी में रिसेंट जो डेटा है वो होना चाहिए, बुक्स में पुराने डेटा है, लेकिन बुक्स में ये आपको पढ़ना है विदेशी व्यापार, यहाँ पर देने का आपको मतलब है डेटा को नहीं देखना है, इसके आंकड़े आपको नहीं देखने हैं, लेकिन हम विदेशी व्यापार में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, FDI क्या है, निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम कौन सा सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। तो ये पढ़ लें, डेटा को आपको इसमें नहीं देखना है, डेटा आपको रिसेंट होना चाहिए। ये हम लोग मैगजीन्स जो करेंगे, दर्पण भी कर रहे हैं या दृष्टि का है या कोई और भी है, घटना चक्र, तो ये सब आप रखें, उससे हम लोग लेंगे इकोनॉमी के जो जो है टॉपिक्स हैं। अगर इसमें बहुत हेजी लगता है तो आप छोड़ दें, इसे हम लोग अलग से करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नवा टॉपिक वो है भारत के प्रमुख पुरस्कार, यानी अवार्ड्स जो हम लोग देते हैं, भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मभूषण, ये सब, ज्ञानपीठ, तो ये सब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। कब इसकी स्थापना हुई, पहला किसे दिया गया, ये सब अवार्ड सेक्शन में करेंगे, ये GK का टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा 10वां टॉपिक, ये बिहार से रिलेटेड है, डेली हम लोग 10वां टॉपिक बिहार से रिलेटेड रीजनल करते हैं, स्थानीय, ये इसमें बिहार में ब्रिटिश शासन करेंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन, उनका आधिपत्य स्थापित हो गया, तो बंगाल का ही पार्ट बिहार था, बिहार भी अफेक्टेड हुआ। साथ ही यहाँ पर कुछ विद्रोह भी आपको मिलेंगे, उसे पढ़ना है। झारखंड अलग हो गया, लेकिन अभी भी देखिए संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, बल्कि मेंस में भी अभी तक संथाल, मुंडा, ये सब लिखना पड़ता है। तो ये विद्रोह जो आदिवासी विद्रोह हैं तत्कालीन, कंटेम्प्रेरी, उसे भी इस सेक्शन में हम लोग करेंगे। पेजेस आप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसे पढ़ना है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, किन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ, बिरसा का विद्रोह पिछली बार एग्जाम में आ गया था, बिरसा किस डेट को, किस तिथि को सोया हुआ गिरफ्तार किया गया,
63वीं या 60 से 62वीं में ये क्वेश्चन आया था, तो ये अभी भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11वां टॉपिक ये पदार्थों के रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला से रिलेटेड है। देखिए ये डायरेक्ट आपको रटने वाला है। केमिस्ट्री में सिंदूर का केमिकल फार्मूला क्या है, एग्जाम में आ जाता है। वॉशिंग सोडा ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब आप इस सेक्शन में एक जगह बिल्कुल इकट्ठा किया हुआ है, इसमें बहुत सारे हैं। तो इसमें आप धीरे धीरे, ये हम आपको सेक्शन देने का मतलब है एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक रेगुलर रिवीजन करने से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो करना है, साथ ही रेगुलर रिवाइज करेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसमें, इस सेक्शन में आप केमिकल फार्मूला करेंगे। लूसेंट में शब्द है धातु, अधातु एवं यौगिक के रासायनिक सूत्र, इस तरह का हेडिंग आपको मिलेगा। और लास्ट में हम लोग कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण PD 12वां टॉपिक। देखिए अभी आप इसे थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, बहुत लोगों के पास तो प्रतियोगिता दर्पण होगा ही नहीं, चूँकि पुराना तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। तो इसे आप कैसे करेंगे, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इस बार हम लोग फरवरी का उठा रहे हैं, अब जनवरी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। स्पोर्ट्स का हमने छोड़ दिया, चूँकि स्पोर्ट्स बहुत पुराना हो जाता, तो स्पोर्ट्स को छोड़ के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और नवीनतम हमने किया PD से। अब इसमें हम लोग फरवरी का उठा रहे हैं, फरवरी का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए राष्ट्रीय से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट थे, अंतर्राष्ट्रीय में एक था, इसमें है वासेनार व्यवस्था में भारत शामिल हुआ। वासेनार अरेंजमेंट क्या है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में भारत शामिल हुआ है, तो ये सब क्या है, छोटा सा शॉर्ट में आप पढ़ें, और जो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है स्किप कर जाएं। बहुत पुराना जिसमें है, गुजरात चुनाव का दिया हुआ है, राष्ट्रीय में हमें नहीं पढ़ना है, तो इसे आप स्किप करते हुए आप पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को आप देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। हम लोग बहुत बैक से चल रहे हैं, हो सकता है इसका बेनिफिट मिल जाए एक दो क्वेश्चन का, तो इसे आप इग्नोर ना करें। इसमें आपके पास ये मैगजीन नहीं होगा तो या तो आप मंगवा लें, बहुत सारे लोग रखते हैं पुराने, बुक सेंटर वाले ला देते हैं, या फिर आप टेंशन ना लें, नेट पे फरवरी प्रतियोगिता दर्पण ये सर्च करेंगे आ जाएगा, तो उसे आप करने का प्रयास करें। यहीं पर आज का ये टॉपिक रुकेगा, आपको इसे यथासंभव कोशिश करना है, मैक्सिमम एफर्ट लगा कर कि जहाँ तक संभव हो कर लें। 2-3 पेजेस अधिकतर सबके हैं, हो जाना चाहिए, कोशिश से सब कुछ होता है। अपना ध्यान रखें, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें। टेक केयर।